हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपका थर्ड क्लास का मैथ का होमवर्क है। आपने आज करना है डिवाइड बाय मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करनी है आपने सब्ट्रैक्शन तरीके से, घटाव के माइनस के तरीके से। ये हमारा रिजल्ट है 20 डिवाइड 4। 20 को 4 से डिवाइड करना है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। 20 में से पहले आपने 4 को माइनस करना, तो हमारे पास बच गए 16। फिर 4 माइनस करना, फिर बच गए 12। फिर 4 माइनस करना, फिर बच गए 8। 8 में से फिर 4 को माइनस करना, तो बच गए फिर 4। फिर 4 में से 4 को माइनस करके बच गए 0। हमने तब तक उस आंसर में से 4 को माइनस करते ही जाना है जब तक हमारा नीचे 0 नहीं बच जाता। तो हमने देखो, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, तो पांचवी बार करके हमारा आंसर आया 0। तब हमने ये ख़त्म करना है, और जितनी बार हमने माइनस किया वो उसका आंसर बन गया, इसका आंसर बन गया 5। सेकंड क्वेश्चन है 15 डिवाइड 5। 15 में से 15 डिजिट है और 5 से डिवाइड करना है। हमने 15 में से 5 को माइनस करना है, तो बच गए, माइनस करा तो बचे 10। 10 में से फिर हमने 5 को माइनस करना है, फिर बच गए 5। फिर 5 में से 5 को माइनस किया, तो बच गया 0। कितनी बार माइनस किया हमने? एक बार, दो बार और तीन बार। तीन बार माइनस करने पर हमारा नीचे बचा 0, रिमाइंडर जो बचा है रहा। तो आपने तीन बार किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये ऐसे आपने सम करने हैं।